कर देख रहा है ऑपरेशन, मोबाइल धोकर कर रहा था ऑपरेशन। बीबी हमारा बाप अब चिल्ला के निकला तो हम यहाँ से गए कि हम जा रहे हैं खून जांच करने के लिए, बीपी चेक करने के लिए। और गया अंदर में, मेरा बेटा का ऑपरेशन करने लगा। हम गया, बोला कि रूम में क्या कर रहा है तेरा देखेगा, हम भी जाकर मोबाइल रख कर उसको ऑपरेशन कर रहा था। आप लोगों को बताया ही नहीं कि ऑपरेशन करना है? बोला ऑपरेशन के लिए, मेरे से एकदम नहीं बोला। बोलता तो मैं उसी समय लड़का लेके भागा था हम उधर से, मेरे से बोला नहीं, एकदम नहीं बोला। यूट्यूब के माध्यम से इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, आपको मालूम है? हमको पता नहीं है। अभी काम किए हैं, काम किए हैं, बाहर से आदमी आता है ये बताया हमको, लेकिन अभी के डेट जो है अभी नहीं जानते। ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन करने के बाद वो उधर से काट कर लेकर उसका कलेजी पतली लेकर आया, दिखाया, देखो मैं ऑपरेशन कर दिया। बाप रे, हम ऐसा बोला मेरे बेटा ऑपरेशन करने को, कौन बोला तुमको? मेरा बाबू का होश नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोला। ऑपरेशन के बाद होश ही नहीं आया बेटा? बाद में आया, 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद होश आया। क्या बोला? ऐसा कि हमको पापा हो, हमारा पूरा दर्द कर रहा है, अब मर जाएगा हम पूरा। हाँ। बोला हरा हरा उल्टी करने लगा। हाँ। मिनट नहीं लगा उसका प्राण छूट गया। पोस्टमार्टम में कुछ निकला क्या? निकला है। क्या निकला? उसमें वो जो पत्थर पित्त फूट गया, पित्त उसका। अच्छा, पित्त फूट गया, पित्त फूट गया, नस भी कट गया है। नस भी कट गया। हाँ। ना चाहिए, अभी 2-3 दिन हो गया, कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं सर हुआ है, अभी कुछ नहीं इंसान, कुछ नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं? मांग हम उसको जान के बदले जान चाहिए, हमको जान के बदले जान चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। यूट्यूब से देख के इलाज करना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर था, अरे मिल जाता था उसको पूरा कुटी कुटी हम, उसको सबसे बड़ा सजा मिलना चाहिए सर। आप जब अस्पताल में गए तो पेट में दर्द था आपके? हाँ, बेटे का पेट का दर्द था, उल्टी 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 हो रहा था, उल्टी भी हो रहा। वहाँ पे इलाज हुआ? हाँ, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, अच्छा। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, क्यों नहीं छोड़ेंगे? खून जांच करेंगे तो ठीक। अच्छा। है, खून जांच कर लीजिए। हाँ। और बीमारी का उसको जॉन्डिस पथरी उथरी था उसको अंदर में। हाँ। तो बोला कि अब हम बोले कि छोड़ दीजिए, तो बोला कि नहीं, कि वो 60,000 रुपये लाएगा। तो हम गए सरपंच साहब के पास, बोलेंगे 60,000। क्या चीज का 60,000 रुपये मांगा? ऑपरेशन का, पूरा इलाज कर, पूरा इलाज करने का। तो आप कहे थे कि पूरा इलाज कीजिए? नहीं, हम कुछ नहीं, हम खाली बोले थे कि वो उसको पेट दर्द कर रहा है, वो उल्टी को कर रहा है, वो मन हो गया ठीक तो छोड़ दीजिए। हाँ। तो जब आपसे 60,000 रुपये मांगा, तो आप कहे नहीं कि मेरे पास है नहीं है, इलाज करवाना है नहीं करवाना? हम बोले 1 महीना के बाद बोल रहा है कि दे दो पैसा। डॉक्टर बोला 1 महीने के बाद? 1 महीने के बाद बोला है। हम लोग बोला कि नहीं है हम लोग का पास पैसा। हाँ। वो बोला कि 1 महीना 2 महीना के बाद पैसा दीजिएगा। तो डॉक्टर जो है बाकी इलाज कर रहा था, ऑपरेशन वो अपने आप से कर दिया। हम लोग का घर पता लेने के चला, हमको बैठा दिया गारखा कंपाउंडर के साथ। आपको कंपाउंडर बोला कि आप गारखा चले जाइए? कंपाउंडर और दोनों आदमी डीजल लेने गए हम लोग। अच्छा, उसके बाद क्या किया? उधर से आए हैं, इसके बाद में बोला लोग चेकअप करेगा, चेकअप करके लेके चला गया अंदर में। चले ऑपरेशन कर रहा था, हमारा बीबी गया, वो कमारी जैसे बंद किया, बंद नहीं हुआ। चलो देख रहा है ऑपरेशन, मोबाइल धोकर कर रहा था ऑपरेशन। बीबी हमारा बाप अब चिल्ला के निकला, चलो हम यहाँ से गए, फिर डीजल धोकर यहाँ से गए हम। तो देख रहे हैं कि जो पथरी लेकर आके बोल रहे भाई, पथरी देखो अपने तुम। आपके बेटे का इलाज मोबाइल देख के कर रहा था? जी, मेरे बेटे को इलाज देख के कर रहा था मोबाइल से। मोबाइल देख के कर रहा? मोबाइल देख के कर रहा था। मैं बोला थोड़ा कहानी खोलो, मैं देखेगा। हाँ। मेरे को देखने नहीं दिया, बोला तुम क्या देखेगा, ये सब तुमको देखने की बात नहीं है। बोला क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मैं थोड़ा खून जांच करके और बीपी चेक करके मैं ले आ रहा है बाहर में। तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि ऑपरेशन करना है? नहीं बोला ऑपरेशन के लिए, मेरे से एकदम नहीं बोला। बोलता तो मैं उसी समय लड़का लेके भागा था हम उधर से, मेरे से बोला नहीं, एकदम नहीं बोला। बोला ही नहीं और ऑपरेशन कर दिया? ऑपरेशन करके निकाला है उसमें से एक बार पथरी निकाल के मेरे को दिखाया, मैं बाप चिल्लाने लगा, मैं मोबाइल में लेके आया। मोबाइल में भी आप बनाई है वीडियो? जी, मैं मोबाइल में बनाया है। अच्छा, उसको निकालिए। और देखिए यहाँ पे जो है हॉस्पिटल के एक स्टाफ है, जिस हॉस्पिटल में ये सारा कांड हुआ है, वही आप नहीं है? नहीं है। तो आपने ताला मारा था? ताला केवल मारे। ताला मारने के लिए कौन बोला? उनके फादर। किसके फादर? डॉक्टर का। डॉक्टर के पिताजी बोले? जी। यूट्यूब के माध्यम से इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, आपको मालूम है? हमको पता नहीं है। अभी काम किए हैं? काम किए हैं, बाहर से आदमी आता है ये बताया हमको, लेकिन अभी के डेट जो है अभी नहीं जानते हम। तो ऑपरेशन किए तो केस खराब कैसे हो गया, कुछ मालूम है? हम रहेंगे तब ना बताएंगे। आप वहाँ पहले भी काम कर चुके हैं? हाँ, पहले काम कर चुके। तो ऐसा ही काम होता था? पहले नहीं होता था, पहले बाहर से सर्जन आते थे लो, उसके बाद ही काम होता था। अब यूट्यूब से देख के इलाज चल हो रहा है कि नहीं, हम तो बताएंगे, रहेंगे तब ना बताएंगे। अब बताइए, यूट्यूब देख कर अगर कोई इलाज करेगा, कोई ऑपरेशन करेगा, तो कोई पेशेंट बचेगा? कोई पेशेंट बचेगा अगर यूट्यूब से कोई इलाज करता है तो? यूट्यूब थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए है, वीडियो देखने के लिए है, ये सब सारी चीजों के लिए यूट्यूब से इलाज होता है? नहीं सर, तुझे कहाँ से इलाज होगा, सही है ना? मोबाइल में देख के इलाज होता है? नहीं नहीं।
मोबाइल में देख के इलाज होता है जी? नहीं, यूट्यूब से इलाज होगा तो बचेगा? कोई कोई नहीं बचेगा, कहीं भी हो डॉक्टर, कोई भी यूट्यूब पर देख कर करेगा तो नहीं बचेगा, सही बात है। अब बताइए, इनका बेटा जो है महज 15 साल का था, इनका जो है सबसे बड़ा बेटा था, घर परिवार देखिए कितना जो है कष्ट में ये लोग जी रहे हैं, और घर का बड़ा बेटा जो है उनको यूट्यूब से इलाज करके स्वर्ग सिधार दिए डॉक्टर साहब। अब बताइए, ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं और आसपास के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो जाँच तक नहीं करते हैं कि भाई साहब जो हॉस्पिटल खुला है उसका प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है, जो डॉक्टर उसमें काम कर रहा है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, लेकिन जो है ये गरीब लोग हैं, ये क्या जानते हैं कि वहाँ जाएंगे तो इनका बेटा का जो है वो मौत हो जाएगा? ये थोड़ी जान रहे कि लाइसेंस है कि नहीं उनके पास, ये तो अपना बेटा का इलाज करवाने गए थे, आपको कुछ मालूम था कि कैसे डॉक्टर? कुछ नहीं मालूम नहीं था, हम तो भरोसे पे गए थे, हम गए हैं कि पेट के दर्द आराम हो गया तो हम सोचे कि हमारा बेटा छोड़ देगा, भाई नहीं छोड़ा, कितना बार किए सरपंच साहब सबसे बोले हैं जबरदस्ती कर दिया, हम लोग का भेज दिया इनका कि जाओ पे डीजल लेकर आओ, और उतने देर में कर दिया इस ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है तो एक सिग्नेचर भी कराया जाता है कि हम जो है साइन करवा रहे हैं, अपने मर्जी से ऑपरेशन करा रहे हैं। नहीं करवाया है, साइन नहीं करवाया है, साइन भी नहीं करवाया, नहीं करवाया है साइन। पैसा वैसा मांगा था 60,000 रुपए, मांगा था 60,000, आप बोले कि पैसा नहीं है? नहीं, पैसा नहीं, दो महीने के बाद देना। गरीब है हम लोग, पैसा कहाँ से देगा, हमारा मरीज जैसे छोड़ दीजिए हम लोग से चल जाएगा। तो क्या बोला फिर? बोला कि हम लोग का पैसा नहीं चाहिए अभी, हम लोग अभी तुम लोग बाद में देना, हम पैसा नहीं मांग रहा, ऐसा बोला। अच्छा, हम ऐसा इलाज करेगा, हम ऑपरेशन के नाम नहीं लिया, हमसे ऑपरेशन। तो क्या लगता है आपके बेटे के ऊपर ये सब ऑपरेशन करना सीख रहा था तभी तो बाकी कर रहा? सर हमको ऑपरेशन का हमको बताइए नहीं है कि ऑपरेशन जब कुछ कर दिया, इसके बाद 60,000 बोला तो हम डर से नहीं ऑपरेशन करा रहे थे, 60,000 हम नहीं गए हमको। FIR वगैरह हुआ है, और ये देखिए FIR जो है यहाँ पे FIR करके इन्होंने अपने पास रखा है एक कॉपी। FIR होने के बाद क्या कुछ हुआ है? अभी कार्रवाई हो रहा है, वहाँ हॉस्पिटल बंद हो गया। हाँ, हॉस्पिटल बंद हो गया, वहाँ पे ताला लग गया, ताला लग गया, वहाँ कोई मरीज नहीं है। अब कोई नहीं है, कोई नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ भाग गए? डॉक्टर साहब कहाँ पता नहीं है, फरार हो गए, फरार है। और कोई पकड़ाया है इस पूरे कांड में हॉस्पिटल? कोई नहीं पकड़ाया अभी, कोई नहीं पकड़ाया, कोई नहीं पकड़ा है। इन थे तो इसलिए हम बताएं कि वो भी आदमी था। हाँ, कोई स्टाफ पकड़ाया था? तो पकड़े किए थे। अरे तो पकड़ाया था, उसका कंपाउंडर पकड़ाया था, कंपाउंडर हम लेके गए, उसमें गलती नहीं था, थोड़ा भी गलती, वो भी मना किया था कि ऑपरेशन मत करिए, उसको रोगी दे दीजिए। अच्छा, तो आपका बेटा का ऑपरेशन करने के बाद क्या क्या हुआ वहाँ पे, क्या कुछ हुआ? मैं गया ना, और लेकर बोला कि हम जा रहे हैं खून जांच करने के लिए, बीपी चेक करने के लिए, और गया अंदर में, मेरा बेटा का ऑपरेशन करने लगा। हम गया, बोला कि रूम में क्या कर रहा है, थोड़ा देखेगा, हम भी जाकर बीपी चेक करता है तो सब आदमी देखता है। हम देखने गया, थोड़ा दरवाजा खोला, और तू रोता है, मेरे को धक्का मार के हटा दिया, तुम कैसी लेडीज है, तुम क्या देखेगा लड़का को? मेरे को हटा दिया वहां से धक्का मार को, दरवाजा बंद कर दिया, और दरवाजा बंद, मैं तोरा सा देखा, मोबाइल रख ले था, मोबाइल कर उसको ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन करने के बाद वो उधर से काट कर लेकर उसका करेजी पतली लेकर आया, दिखाया, देखो मैं ऑपरेशन कर दिया। बाप रे, हम ऐसा बोला, मेरे बेटा ऑपरेशन करने को कौन बोला तुमको? बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं। वो बोला तुम्हारा बेटा को अच्छा हम कर देगा, हम कर देगा, मत रो। हम रोने लगा, रिस्क भी लिया, तुम्हारा बेटा को चाची जो भी होगा ना, मैं अपना जान के बदला जान देगा, ऐसा बोला। मैं उसी समय रोने लगा, अपने बाबू को देखने लगा, मेरा बाबू होश नहीं आया, मैं कुछ नहीं बोला। ऑपरेशन के बाद होश ही नहीं आया बेटा, बाद में आया, 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद होश आया। फिर क्या हुआ उसके बाद? मेरे बाबू बोला, दर्द से पूरा बेचैन था, मेरा बेटा बोला मम्मी मैं नहीं बचूंगी, मेरा जान ले लिया डॉक्टर। आपका बेटा ऐसा बोला? बोला, हाँ बोला है बेटा, बोला ऐसा कि हमको पापा हो, हमारा पूरा दर्द कर रहा है, अब मर जाएगा, हम पूरा बोला, हम बोला। उसके बाद क्या किया वो लोग? उसके बाद में सुई दिया, इसके बाद में उल्टी किया, तो अच्छा पहले उल्टी किया, उसके बाद हरा हरा उल्टी करने लगा। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम रुको, दर्द हो रहा था तो हम बोले तो सुई 2-3 गो डाल दिया, इसके बाद में बोला कि बेटा आराम है, तो हाँ आराम है थोड़ा सा, फिर दर्द ना, हम 5 मिनट नहीं लगा उसका प्राण छूट गया। सुई दिया था उसके बाद, ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ था? सुने कि पटना उठना भी ले जाना गया, मर गया तो ले गया, मर गया तो पटना ले गया। अच्छा, उसके बाद में गाड़ी बांध कर, वो कंपाउंडर, मेरा सास, बूढ़ी सास था, वो ड्राइवर, 3 आदमी लेकर जाकर हॉस्पिटल के साइड में बिके चला। आपके बेटे को पटना ले जाकर किसी अस्पताल में वहाँ रख के भाग आया था?
हम लोग पूछे हैं तो कंप्यूटर मोबाइल बंद कर दिया कंपाउंडर हाँ। तो ड्राइवर के मोबाइल से बात करके तो बोला लोग भर्ती कर दिए, तो भर्ती नहीं किया था लोगों लोग भर्ती नहीं किया नहीं, हम लोग पटना जा रहे थे तो कंपाउंडर लुका कर भाग रहा था तो हम लोग पकड़ के ले गए तो लाश यहाँ पर आ गया। अच्छा हॉस्पिटल तक पोस्टमार्टम में कुछ निकला क्या? निकला है। क्या निकला? उसमें वो जो पथरी पित्त फूट गया है, पित्त उसका। अच्छा पित्त फूट गया, नस भी कट गया है। नस भी कट गया हाँ, जो खाना जो पचत होता है। यूट्यूब से जो है इलाज करने के समय में डॉक्टर साहब ने अंदर का दो तीन नस काट दिया, जिसके वजह से जो है वो 15 साल का गोलू का देहांत हो गया। जी हाँ, बता दें आपको कि ऐसा घटना जो है पूरे बिहार को शर्मसार करता है। सभी पदाधिकारी लोगों पे के मुंह पे एक तमाचा है कि कोई गरीब आदमी निजी कोई अगल बगल के अस्पताल में जाता है इलाज करवाने और उसके साथ ऐसा कांड हो रहा है, तो ये शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि जो है ये लोगों को कुछ मालूम होता नहीं है, क्योंकि जो है किसी को भी, चाहे मुझे हो चाहे इनको हो, किसी को प्रॉब्लम होगा तो सोचेंगे जल्द इलाज हो जाए, पास में इलाज हो जाए। उस पास में इलाज वाले के चक्कर में झोला छाप डॉक्टर जो है अपना झोलागिरी करते हैं और लोगों को जो है ऊपर पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। हमारा बेटा गया है, वो भी चला जाए तब ये संतोष होगा, ऐसा संतोष नहीं होगा हमारा।